नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आप सभी लोग कैसे हैं? दोस्तों उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से और भगवान साईं राम जी के आशीर्वाद से आप सभी लोग अपने जीवन काल में बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही खुश होंगे। दोस्तों मैं सदैव भगवान से आप लोगों के लिए प्रे करूंगा कि आपको हमेशा खुश रखें और आपको ढेर सारी तरक्की दे और आपको ढेर सारी उन्नति दे और आपको कभी भी आपके ज़िंदगी में आपको किसी चीज़ की कमी ना हो। जी दोस्तों, दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 28, 29, 30 और 31 दिसंबर 2022 आने के दिसंबर माह के 4 दिनों के आपके राशिफल के महाराशिफल के बारे में। दोस्तों आने वाले अगले 4 दिनों का समय आप सभी जातकों के लिए कैसा रहने वाला है? दोस्तों यह 4 दिनों के समय अवधि में आपके ज़िंदगी में कौन कौन से परिवर्तन होने वाले हैं तो कौन कौन से बड़ी खुशखबरी आप लोगों को इसमें मिलने वाले हैं? और दोस्तों साथ या दिसंबर माह के 4 दिन आप लोगों को क्या चीज़ देकर जाने वाले हैं तो क्या चीज़ लेकर भी जाने वाले हैं? और दोस्तों साथ ही इन 4 दिनों के समय अवधि में आप लोगों को क्या क्या सावधानियां भी रखनी पड़ेगी, कौन सी गलतियों को करने से या समय आपको बचकर रहना होगा जो आपकी ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह साबित ना हो सके। साथ ही दोस्तों इन 4 दिनों के समय अवधि में आपके जीवन काल में कौन कौन से बड़ी घटनाएं घटने वाली हैं, कौन कौन से बड़ी अनहोनी होने वाली हैं और साथ ही इसमें आप लोगों को क्या क्या सावधानियां भी रखनी पड़ेगी, किन चीज़ों से इसमें आपको बचकर भी रहने की काफ़ी आवश्यकताएँ होंगी। और दोस्तों हम साथ ही बात करेंगे आने वाले 4 दिनों के समय अवधि में आपका बिजनेस व्यापार कैसे रहेगा, आपकी नौकरी कैसे रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसे रहेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति कैसे रहेंगी, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, घर परिवार का माहौल कैसे रहेगा और आपका करियर कैसा रहेगा, विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहेगा। दोस्तों सारे के सारे इंपॉर्टेंट जानकारियां हम आप सभी को पूरी विस्तारपूर्वक से बताएंगे, तो आज के इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा और इन्हें आप लोग शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा। और दोस्तों वीडियो के अंत में आप सभी जातकों के लिए बहुत ही खास और बहुत ही अच्छे उपाय हम बताएंगे। दोस्तों अगर आप लोग इस उपाय को आने वाले इन 4 दिनों के समय अवधि में किसी भी दिन कर लेंगे तो दोस्तों मैं किन के साथ कहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी की हर एक समस्याएं, हर एक परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी और भगवान भोले बाबा की कृपा हमेशा आप सभी जातकों के ऊपर बनी रहेगी। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों उससे पहले जो भक्त हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं या दोस्तों नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि राशि से जुड़ी सभी जानकारियां आप सभी को समय समय तक पहुंच सके। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण के एक बड़े ही सुंदर अनमोल ज्ञान के साथ। दोस्तों अगर आप लोग इस ज्ञान को अपने जीवन काल में उतार लेंगे तो दोस्तों मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी आने वाले समय अवधि में पूरी तरह से बदल जाएंगी। जी दोस्तों तो इन ज्ञान को आप लोग जरा ध्यानपूर्वक से और कान लगाकर अवश्य ही सुनिएगा। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अगर कोई भी मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए क्योंकि यही हमारा धर्म है। जी दोस्तों इन बातों को आप लोग हमेशा अपने जीवन काल में ध्यान में रखेंगे। दोस्तों इस जीवन में अगर कोई भी इंसान आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, आपके साथ धोखा कर रहा है तो दोस्तों उसे करने दो क्योंकि वह उसका कर्म है और भगवान उसके कर्मों का फल हमेशा एक ना एक दिन जरूर देंगे। बस आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो दोस्तों आपको भी इस कर्मों का फल जरूर मिलेंगे। इसलिए हमेशा इन बातों को आप लोग अपने जीवन काल में ध्यान में रखेंगे और ऐसे गलतियां कभी भी भूल से ना करें। जी दोस्तों तो दोस्तों अगर भगवान से किसी का यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो, सही लगा हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से और श्रद्धा भाव से जय श्री कृष्ण राधे राधे जरूर लिखें। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं आने वाले इन 4 दिनों के आपके राशिफल के महाराशिफल के बारे में।
दोस्तों आने वाले अगले 4 दिनों का समय आप सभी जातकों के लिए बहुत ही खास और बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण समय रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों इन 4 दिनों के समय अवधि में आप लोगों को भगवान भोलेनाथ की कृपा से वो खुशी हासिल हो सकती है जिसे पाने के लिए आप लोग लंबे समय से प्रयासरत थे। जी दोस्तों, और यह समय आपको करियर कारोबार में मन चाहे सफलता भी प्राप्त होंगी। यदि आप विदेश में अपने करियर या फिर कारोबार को लेकर प्रयासरत थे तो आपको इस संबंध में कोई बड़ी सफलता या समय हाथ लग सकती है। और कामकाजी महिलाओं का घर और ऑफिस में यह समय मान सम्मान भी बढ़ेंगे और यह समय किसी भी परिजन के घर में आने से खुशी का माहौल भी बना रहेंगे। दोस्तों इस दौरान स्वजनों के साथ पिकनिक पार्टी का प्रोग्राम भी आप लोग इन 4 दिनों के समय अवधि में बना सकते हैं। जो लोग समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं दोस्तों उन्हें यह समय उनके कार्यों के लिए सम्मानित भी किया जा सकता है। और छोटे मोटे दिक्कतों को अगर यह समय इग्नोर कर दें तो आपकी सेहत भी यह समय समान ही रहने वाली है। और दोस्तों यह समय के उत्तरार्ध में किसी भी प्रव्यक्ति से मुलाकात संभव है जिसकी मदद से भविष्य में लाभ की योजनाएं से जुड़ने का आपको अवसर भी प्राप्त हो सकता है। और यह समय प्रेम संबंध में आपसी विश्वास और नज़दीकियां भी बढ़ेंगी। और यह समय आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ऐसी समस्याएं भी आ सकती हैं जिन्हें हल करना आपके लिए मुश्किल भी होगा। और यह समय आप धैर्य रखने की कोशिश करें और नई शुरुआत का आप यह समय इंतज़ार करें। यह समय बहुत ही जल्द आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देख पाएंगे, इसलिए घबराएं नहीं। आपको अपने पर्सनल स्पेस को बेहतर तरीके से व्यवस्थित करने की आवश्यकताएँ होंगी। और यह समय कुछ वैवाहिक परेशानियों के भी संकेत दे रहे हैं, परेशानी हो सकती है लेकिन आपको सकारात्मक पक्ष पर ध्यान देने की आवश्यकताएँ हैं। और यह समय आप ध्यान रखें कि आपका पार्टनर आपसे क्या कहना चाहता है और उनके साथ में आप अच्छा समय या भी यह समय बिताएंगे। इसके साथ ही आपको अपने माता पिता के स्वास्थ्य का भी यह समय ध्यान रखने की आवश्यकताएं होंगी। यह समय आपका प्रोफेशन समान रूप से चलेंगे और लेकिन आपको जितना हो सके अपने काम पर यह समय ध्यान देने की आवश्यकताएँ हैं। और यह समय ऐसा कोई सौदा आपके हाथ भी लग सकता है जो आपको फ़ायदा भी पहुंचाएंगे। और यह समय हल्के खर्चे होंगे, काम के सिलसिले में इसमें दिनमान आपके लिए समान ही रहेंगे और लेकिन ज़्यादा भागदौड़ से बचकर आप इसमें रहें तो आपके लिए बेहतर रहेंगे। और यह समय निजी जीवन के लिए समय आपके लिए समान ही रहने वाले हैं और जीवन साथी से इसमें संबंध अच्छे रहेंगे और ससुराल के लोगों से भी आप इसमें अच्छी बातचीत करेंगे और प्रेमी जीवन में रोमांस की बढ़ोतरी भी इसमें होंगे। और यह समय आपके बिजनेस व्यापार भी काफ़ी अच्छे रहेंगे। यह समय आप लोगों कई क्षेत्रों से अचानक से लाभ की प्राप्ति भी हो सकती है। और दोस्तों जो लोग रोजगार की तलाश कर रहे हैं दोस्तों वे लोग यह समय तरक्की करेंगे और उन्हें कोई भी अच्छा काम यह समय मिल सकता है लेकिन आपको किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को बहुत ही सोच विचार कर लेना होगा, नहीं तो आपसे कोई गलती भी इसमें हो सकती है। तो इन बातों को इसमें ज़रा विशेष ध्यान रखेंगे और ज़रा सावधान भी रहेंगे। और इसमें जो लोग शेयर मार्केट अथवा सट्टेबाजी में धन का निवेश करते हैं दोस्तों उनके लिए इसमें अच्छा समय रहने वाला है क्योंकि उन्हें इसमें अच्छा मुनाफा हो सकता है और नौकरी पेशा वर्ग में कर्मचारी अधिक इसमें भागदौड़ करेंगे। इस कारण अन्य जरूरी कामों की अनदेखी होने से बाद भी इसमें बिगड़ सकती हैं, तो ज़रा आप लोगों को इसमें सावधान भी रहने की आवश्यकताएँ होंगे। जी दोस्तों चलिए बात करते हैं उपाय के बारे में। दोस्तों फिर आने वाले इन 4 दिनों के समय अवधि में आप लोगों को वह कौन सी उपाय करने चाहिए जो कि आपके जीवन की तमाम तरह की परेशानियाँ हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएँ और भगवान भोले बाबा की कृपा हमेशा आप सभी जातकों के ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों आने वाले इन 4 दिनों के समय अवधि में आप सभी लोग शिवलिंग पर अक्षत चंदन धतूरा दूध आंक गंगा जल और बेलपत्र आदि भगवान शिव को अर्पित करें। दोस्तों इससे भगवान शिव जी काफ़ी आपसे प्रसन्न होंगे और आपको शुभ आशीर्वाद भी देंगे और आपकी ज़िंदगी की हर एक परेशानी में दूर होंगे और आपके घर में हमेशा सुख शांति खुशहाली बनी रहेगी और भगवान शिव की भी आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बने।